फ्रेंड, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं, फोरकास्ट करने वाले हैं कि वीकली में हमें कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है, तो उसी के बारे में पूरा ए टू जेड हम एनालाइज करना है। तो वीडियो को पूरा देखना, ए टू जेड जो भी अच्छे लेवल्स हैं वो हम क्या है वो हम इसमें बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया गोल्ड का, तो डे वन का जो चार्ट है ये ओपन कर लिया। अब इसका देखा जाए, जो डे वन का मैंने चार्ट ओपन किया ये अगर देखा जाए सबसे हाई जो है यहाँ पे इसका हाई अभी तक देखा जाए ये है, इसका हाई है। और वहीं पे अगर हमने फिर यहाँ पे और इसका लो अगर हम देखें, लो भी मार्क कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट लो ये है। तो ये दो लेवल लो हो गया, इसी के अंदर में क्या है मार्केट चल रही है। और अगर देखा जाए ये मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक हायर लो हायर हाई बनाते जा रही है, लेकिन प्रीवियस जो है ये देखो अपने हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, एक इस लेवल के नहीं अंदर ही में देखा जाए और ना तो ये लो को ब्रेक किया। तो इसका यही क्राइटेरिया है, समझ लो अभी तक ऐसे ही माहौल है। अब चलिए हम अच्छा लेवल देखते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो इसका एक लो यहाँ पे है ना फ्रेंड, ये समझो ये ब्रेक करे तो उसके अकॉर्डिंग हम नीचे मतलब सेलिंग के लिए देख सकते हैं। एक ये समझ सकते हैं इसके रेंज में मार्केट चल रही है, समझ रहे हो। अब ये ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, देन नीचे आ सकता है। फिलहाल ये तो डे के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा एनालाइज। हम चलते हैं 4 घंटे में देखते हैं, नॉर्मल 4 घंटे में आ गए। अब ये 4 घंटे में हम आ गए यहाँ पे एक फ्रेंड, 4 घंटे में गए। तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग जो हमारे लेबल्स हैं जिसपे हम बाई या सेल वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 घंटे के अकॉर्डिंग, 4 घंटे के अकॉर्डिंग जो हमारा लेबल है यहाँ पे एक अच्छा लेबल है। तो ये एक एरिया सप्लाई एरिया, समझे फ्रेंड ये, तो यहाँ इजीली तो एक एरिया ये है। अगर यहाँ अच्छा मुझे मार्केट अगर मिले तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं, तो एक अच्छा एरिया है, सप्लाई एरिया है, समझ रहे हैं। एक ये हो गया 4 घंटे के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर नीचे देखें, नीचे भी कोई लेवल हमें अच्छा मिल जाए तो यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे भी फ्रेंड अच्छा लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर इस यहाँ पे हमें एक मिल जाए अच्छा खासा डिमांड एरिया यहाँ पे, तो इजीली क्या करेंगे यहाँ इसको ऐसे मार्क कर लेंगे ये एरिया। तो एक अच्छा एरिया अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो हमें क्या करना है सेलिंग के लिए, सेलिंग क्या है? अगर ये मतलब वेरी अच्छा एविडेंस मिले यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ पे ये तो एक एरिया, तो यहाँ पे आए अच्छा एविडेंस बन रहा है मेरे, या जो भी हो टाइम फ्रेम में अच्छा एविडेंस मिले तो हम बाई कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करिए रिटेस तो सेल जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। बट फिलहाल क्या है, यहाँ पे अगर आया अच्छा खासा तो बहुत अच्छा एरिया है। देखा जाए यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बीच में है, तो इस बीच में भी आके मार्केट स्पाइक दे के ऊपर जा सकती है। और ऊपर यहाँ पे अगर मिले तो सिंपल हमने बताया यहाँ पे हम सेलिंग के लिए ऊपर स्टॉप लॉस छोटा सा देखें सेलिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग हमारे लेबल्स जो भी होंगे मार्क कर लिए हैं। अब H1 के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं, तो H1 के अकॉर्डिंग अब हाँ फ्रेंड H1 के अकॉर्डिंग देखो जो लेवल अच्छे लेवल हैं, तो यहाँ पर ये लेवल बढ़िया है यहाँ पर अगर हमें मिले तो छोटा सा। अब जैसे यहाँ पे जो भी किसी यहाँ पे आए कोई अच्छा एविडेंस मतलब यहाँ पे सेलिंग के लिए, यहाँ पे अगर आने वाला है नेक्स्ट वीक तो हम क्या करेंगे सेलिंग के लिए, भाई मैं तो यहाँ पे सेल करने वाला हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस देके। तो H1 के अकॉर्डिंग ये अच्छा लेवल हो गया, और अगर वो ये अच्छा लेवल H1 के अकॉर्डिंग हमें लेवल मिल गया। और उसके अलावा और भी कोई लेवल, एक ये लेवल हो गया, और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर नॉर्मल सा इसके पहले भी अगर हम देखें ये देखो ये यहाँ पे एक लेवल था, तो इसको हमने मार्क भी किया था प्रीवियस अगर वीक में। आप देखो यहाँ पे H1 का ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला ये लेवल देखो अच्छा खासा मतलब एक सप्लाई एरिया था। देखा जाए ये अगर ये वाला हम लेवल देखें तो इजीली देखा जाए 2 बार टेस्ट किया, ये एक बार ये देखो अच्छा खासा देखे नीचे गया, फिर एक बार ये मतलब 2 से 3 बार इसने टेस्ट दे चुका। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी एरिया है, लेकिन ये जो हमने एरिया बताया यहाँ पे स्टॉप लेते हैं सेलिंग के लिए हम देख सकते हैं। और उसके बाद ऊपर हमने बताया H4 के अकॉर्डिंग, ऊपर H4 देखा जाए जो H4 का लेवल है वो यहाँ तक आएगा फ्रेंड, इसको हमें मार्क करना पड़ेगा ये पूरा, सॉरी यहाँ पे ये तो ये हो गया। अभी ये जो एरिया है ना यहाँ तक ये पूरा
पूरा एरिया अच्छा खासा सप्लाई है तो इसके अंदर में आता है तो हमें क्या सेलिंग के लिए। तो अभी जो प्रीवियस वीक मैं देख रहा हूँ ये लेवल पे अगर आता है तो हम सेल के लिए करेंगे। बाकी अपने अकॉर्डिंग मेरा जो लॉजिक है जिस बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ वो उस तरह मैंने क्या है एनालाइज कर दिया है, मैं क्या इसी बेस पे ट्रेड करता हूँ। और यहाँ तक देख सकता हूँ मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, 100 डेज हो गए ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, उसका भी वीडियो मैं किसी दिन बना के डालता हूँ। तो बाकी मेरा वीडियो यार अच्छा लगता है प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।